अकाली सरकार के समय में सचखंड श्री हरिमंदर साहब में जाने वाला रास्ता हैरीटेज स्ट्रीट जो कि करोड़ों की लागत के बनाया गया सी, पर कुछ ही सालों में यह प्रशासन की अणगली का शिकार हो गया, जिसके चलदे बंद पई सीवरेज प्रणाली गंदगी नाल भरे चैंबर ते भिखारियों की बढ़ रही तादाद के कारण इत्थे देशों विदेशों तो आने वाले शरदालों के अगे अमृतसर गुरुनगरी की गलत तस्वीर पेश हो रही है। इसके चलदे अज घंटाघर मार्केट के दुकानदारों वालों इस समस्या संबंधी इकट्ठे होकर प्रशासन के खिलाफ भड़ास कटी गई। इस संबंधी गलबात करदे कौंसलर जरनैल सिंह ढोट, दुकानदार जसविंदर सिंह अते सुनील कुमार ने दस्सिया कि करोड़ों रुपए की लागत नाल बने हैरीटेज स्ट्रीट अज गंदगी की मार चल रहा है, जिसके चलदे सीवरेज प्रणाली बंद होने और चैंबर में गंदगी की भरमार के चलदे इतने दुकानदारों का रहना मुश्किल हो रहा है। फुटपाथा से लोग खुद ही कब्जे करके खोखे बना रहे हैं। भिखारियों की वाधी तादाद के कारण यात्रू परेशान हो रहे हैं। अजिही छवि लैके वह बार देश दुनिया में गुरु नगरी बारे की प्रगटावा करेंगे, इस तो अणजाण प्रशासन घुमकानी नींद सोता पै है। किसी भी अधिकारी का इस वाल कोई भी ध्यान नहीं है। साड़ी प्रशासन को मंग है कि वह इस वाल ध्यान देन। इस संबंधी जीरा तो आए वीर सिंह और मुक्तसर तो आए यात्रू मनदीप कौर ने दसिया कि इतने सफाई के प्रबंधों के बहुत माड़े हाल ने, सीवरेज के ढक्कन तक नहीं है, पीने वाले पानी की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण परेशानियां आ रही ने। सरकार के प्रशासन को चाहिए कि उस वाल ध्यान दिता जाए। मेरा नाम मनदीप कौर, असी श्री मुक्तसर साहब मलोड़ तो आए हैं। इतने पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल आ रही है सानू। असी देखने के कि सीवर के ढक्कन खुले पे, गंदगी आ रही है, क्योंकि इन्नी वधिया मतलब बरसात होने करके इतने सफाई तो ज़्यादा होनी चाहिए। एक मैट का मैंने लगे कि मैट पिछे होने चाहिए, जिम्मे तपदी के तपस पैंती है, ठीक है, बच्चों चकना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी की तो ज़्यादा मेन हैगी है, जिन्होंने मेनटेन करके रखना इतों के प्रशासन की जिम्मेवारी बनती हैगी है। बिल्कुल, मेन तो परेशानी संगत को आ रही है ना, क्योंकि लखा की गिनती देते कट हो रहा है डेली, अगे संडे वगैरह तो मसिया पुनिया तो इतने ज़्यादा कट हों, ठीक है। बारिश का जो मौसम चलता, सौन का महीना, झड़ियाँ चल रही ने, ये अकॉर्डिंगली तो देखना चाहिए, साफ सफाई मेनटेन करनी चाहिए। बिल्कुल, पानी रुकता तो अं तो फिर पानी रुकने करके तो फिर सीवरेज का क्लीयर ही ना हो रहा भी कितने से ढक्कन खुला पाया कितने नहीं, बड़ी परेशानी हैगी है, कि बड़ी घटना मतलब वापर सकती है। बिल्कुल, यही तो क्या ना थोनू प्रेजिडेंट चौंक नगर मार्केट वालों बोलना पाया कि चार महीने हो गया सानू रिस्पैक्ट, इन्हों को कहें कि इतने गंदगी बहुत है, गंदगी बहुत है, कोई साड़ी सुनवाई नहीं हो रही। इतने कोई आंदा खोखा ला दिता, कोई आंदा फुटपाथ बह दिता, इतने मंगते इन्ने हो गए हैं कि लोगों ने कपड़े खिंचते हैं। हरिमंदर साहब देखिए यह चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फुटपाथ बने हैं लोगों ने चलने वास्ते, ना कि खोखे लवाने वास्ते बने हैं। इतने इन्ना रुपया लाया सरकार ने कहदे वास्ते लाया, जो कोई सुनवाई कोई नहीं हैगी, देखभाल कोई नहीं हैगी, कहदे वास्ते गंद इत्थे पाया है। ज्यादा पहला फुटपाथ बने से लोग फुटपाथ समान लाते थे, अज भी लाते उन्होंने, फिर इन्ना रुपया लाते थे हरिमंदर साहब की लड़ है। संगतं ज्यादा मील दूर तो उत्तर दर्शन करने वास्ते आदि ने, लेकिन उन्होंने मन खट्टा हों जो उतो वापस जाए कि असं की वेख के चलने इतने थां थां मंगते थां थां गंद पे है, ये की चीज़ हो रही है, कोई प्रशासन है अमृतसर के बच्चे? असं तो परेशान हो गए कह कह के, कोई सुनाई नहीं गई। अब कह रहे हो तो अगों कहने अं जो जो करना कर लो, यह कि पास का असूल है। गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास इस इलाके का मुख सेवादार होने के नाते बहुत ही शर्मिंदगी भरे मन के नाल अज प्रेस के सामने हो रहा, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों तो मार्केट वाल की बहुत ज़्यादा कंप्लेट्स आ रही हैं, तो मैं अपने ऑफिस के कंप्लेटा कर करके थक गया। किसी अफसर के मन से कोई जू नहीं सरक रही कि इन्नी संगत इतने आनी दोबारा शुरू हो गई है करोना खत्म होने तो बाद, पर उन्होंने मन के कोई यहोजा मन नहीं है उन्होंने कि अं कोई सेवा करनी है जो गुरु रामदास पातशाह के दरबार से आने वाली संगत का ख्याल रखना। असी अपने सारे अफसर के ध्यान के गल लिया चुके हैं, हुण तुसीं अपने कैमरे की अख के नाल सारा कुछ वेख ही लिया, तो मैं तो तुहाडे मैसेज जिहड़ा अपना मैसेज दिता इन्हां नूं तुहाडे प्रेस के थ्रू इन्हां नूं देण जा रहा कि मैं कहना हजे भी तुसीं समझ जाओ, नहीं तो गुरु घर तो तुसीं आशीर्वाद लैण की बजाय कोई मोटा आशीर्वाद ना ले लैणा कि जिहदे नाल आने वाली तुहाडियां नसलां भी याद रखन कि तुसीं गुरु घर की सेवा नहीं की, तुसीं गुरु घर की आने वाली संगत की बदनामी की है, बर्बादी की है, और गुरु घर के नेड़े जिन्हें भी सेवा संगत कर रही है सेवा उन्होंने भी तुसीं मनां नूं ठेस पहुँचाई है। इस करके मैं तुहाडे चैनल के थ्रू सारे प्रशासन को यह कहना चाहना कि तुसीं सुते पे हो पिछले चार सालों तो, उठ जाओ, हजे भी उठ जाओ, अजे भी बहुत वेला पिया वा सेवा करन दा, अपनी सेवा करके अपना जीवन सफल करिए। महापुरश कहिंदे ने कि गुरु रामदास पातशाह के घर में जाने वाले रस्तियां दी जिहड़ा सेवा करूगा, गुरु रामदास पातशाह के दरगाह च जाने के रस्ते साफ करनगे। असी इस मन नाल सेवा करदे आ, पर ये लोगों ने दुकानदारियां बनाईयां, इत्थे रेहड़ियां लवा के पैसे लै रहे ने अफसर, वध तो वध दुकान करोड़ डेढ़ करोड़ दी दुकान आ, उहदे अगे रेहड़ी लवा के उहदे कोल पैसे लै रहे ने। दुकानदार का मन भी महसूस हुंदा कि यार मेरे नाल धक्का कर रहे हैं। हुण तुसीं दस्सो फुटपाथ संगत दे तुरन वास्ते आ,
कोई फुटपाथ से तुरन थान नहीं की वेख लो कुल्फिया वाले ने गंद पाया स्टाला वाले ने गंद पाया सॉफ्टी दशीन तुम शामा वे आओ मैं तुम्हें हम दोबारा शामा वे बुला कि इतने शामा लोग तिलकते हैं इन्ना ज़्यादा चिक्कड़ हो जाता कुल्फिया वाले का एक यह कोई संगत जा रही है लेडी संगत जा रही है कुल्फिया हाथ फड़ के आवाज़ मार दिया कुल्फी 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 मतलब यह कोई तरीका नहीं गा एडा वड्डा स्थान हो पूरी दुनिया तो लोग आन तो लोग शांति वास्ते आते इतने कि गुरु घर जाके शांति लैनी है तो राह दे विच ते सारी शांति भंग हो जाती है हैरीटेज वाक से जिनी तमाशबिनी हो रही है जिन्ना कुछ हो रहा इस तो ज़्यादा मैं कह नहीं सकता क्योंकि आप अपनी कौम में या अपने गुरु घर बारे कोई यहोजी गल नहीं कर सकते पर लोग साढ़े वास्ते बहुत बदनामी का टिक्का बने हुए हैं प्रशासन को जागना चाहिए जो गुरु घर की रहत मर्यादा वा उस रहत मर्यादा के मुताबिक इतों का सिस्टम सैट करना चाहिए वा क्योंकि चार साल हो गए हैं इन बने तो मेरा ख्याल है एक बार भी इन्होंने सफाई नहीं की जो सफाई करते हैं सिर्फ फॉरमैलिटी फोटो खिंचाई तो चले गए जी अं काम करता जोड़े सीवरमैन ने उन्होंने को ढक्कन नहीं खोल रहे भाजी तुम्हें मैं तुम्हें कैमरे से विखाना ताे कैमरे से कि सीवरमैन और ढक्कन नहीं खोल सकता जेने नट लाइन उन्होंने जंगाल पै गया वो किसी मशीनरी खुलेगा ज हैवी वेट बंदे उन्होंने खोलनगे तो ढक्कन खुलनगे सीवर साफ करने वाले नहीं तो आम सीवरमैन ढक्कन नहीं खोल पा रहा तो जो चैंबर है सी, चैंबर भी सारे बंद होए पे ने जो सीवर नहीं चलेगा तो चैंबर नहीं चलने एक भाजी मार्केट कोई सफाई इंतजाम नहीं है कोई चौकीदार नहीं है कुछ भी नहीं है देखो जी कारपोरेशन के मुलाजमान गल करो तो उन्होंने रिकॉर्ड के इतने तीन शिफ्टों के सफाई हो रही है तो मेरे कैमरे के क्लिप है कि हमने दो बजे बाबा भूरी वाले के सेवादार जो है ने प्राइवेट वो सेवा करते हैं कारपोरेशन का तुम्हें कोई मुलाजम इतने 24 घंटे खलोता रहा तुम्हें कोई नज़र नहीं आएगा शामा प्राइवेट मशीन वाला आएगा वो झूठे ला के उन्हें फोन कानू लाया हों उन्हें किसी नाल कोई मतलब नहीं उन्हें उतों ला के उतों तक झूठे लाने फोन लाना कान से उन्हें अपने घर में चल जाना भी मैं अपना काम करता जे जिहड़ा भी ऑफिसर तुसीं इन्हां नूं पुछो ऑफिसर नूं कि तुहाडा की कहना उन्होंने कहना ये कुछ करा रहे हैं उन्होंने को सानूं एक भी प्रूफ कराओ जे तुसीं करा रहे हो तो सानूं दस्सो कित्थे कीता जे अपने घरे कीता जे मेरा नाम जसविंदर सिंह जी मेरी दुकान हरिमंदर साहब के रस्ते हैगी है नेड़े शनि मंदिर के नाल इहनूं असीं मतलब वी इन्ना हैरीटेज बनाया हैरीटेज वाली कोई गल नज़र नहीं आती सारे इत्थे सीवर भरे पए ने चैंबर ओवरफ्लो होए ने वो इन्नी आँदी है जोड़ा भी टूरिस्ट आता वा जैसे आते जो नमस्तक होने वास्ते आते हैं उन्होंने मन के उत्ते की प्रभाव पैंदा वा ये हैरीटेज दीआं निशानियां नहीं हैगियां ये तो सगो गंदगी का घर इन्हें बना दिता है ओवरफ्लो होए पे ने सीवर सारे देखो कि जिथे मर्जी देख लो सीवर ओवरफ्लो खलो खलोता नहीं आता दुकाना के उत्ते साढ़े को कस्टमर आता पेल नक् हाथ रखता पेल तो फिर किसान कहता भी बो इन्नी क्यों आँदी भी इतने फिर उन्होंने यही जवाब देने ये हैरीटेज बनाने वाले पूछ सकते थे भी क्यों हैरीटेज किस तरह बनाया भी ये की हैरीटेज वाली गल हैगी है सानू दसो भी सानू इस तरह गंदगी दे बना तो हैरीटेज बनया सफाई का कोई प्रबंध नहीं है जेई विक्रम हैगा बार बार 6 महीने तो ही रिपोर्टा दे रहे हैं तो वह मैं परसों कह रहा जी अज रिपोर्ट आई है अज रिपोर्ट आते परसों जो उस रिपोर्ट आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जो कोई कार्रवाई हुई है माड़ी जो सीवर के सोटी मार के चल जाते हैं तो सफाई नहीं होंगी बिल्कुल फिर ओवरफ्लो हो जाते सीवर उस वे और की मुश्किल जी मुश्किल सारे बस ये बीमारी का घर बन सकता है दूजी लहर तीजी लहर में सदा देते ने कहते भी दूजी आनी तीजी आनी तीजी लहर से आप एटोमैटिक ही आएगी जो ये हाल है तो सुनील कुमार नाम है जी ऐसे गंदगी तो बहुत ज़्यादा से परेशान हाँ सानू दुकाना से बहना बहुत औखा होया जरा कस्टमर आंदा वह भी इधरों उधरों होकर निकल जाता सानू अज 2-3 महीने हो गए इस काम के उत्ते हाली साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही प्रकाशन अगे बिल्कुल जी देखो आगे अगला वेखदा पिया जे यह केंद्र बनया जे गंदगी इन्नी है बदबू इन्नी है मंगते मंगते ने ये है वो है देख लो तुहाडे सामने जो भी है की समझदे हो मतलब हरिमंदर साहब दर्शन भी हो जी लखां दी गिनती संगत आती है क्यों प्रशासन की की नाकामी है की कमी है क्यों लापरवाही वरती जा नाकामी देखो जी सानू 4 महीने हो गए कहिंदे हाली तक साडी सुनवाई तो होई नहीं हुण इस करके अज तुहाडे अगे बेनती कीती आओ जी साडी आवाज सुनो ते प्रकाशन तक आवाज साडी जावे दुकान दे अंदर बहना औखा हो जांदा ते गाह की जाएगा साडी तां मजबूरी है ये दुकान पर आना ही आना होर परेशानी है तो रिक्शा टांगे वाले सवारियां ले जांदे जी 20 रुपए मार्केट कह कह के कह के अवारे कुत्ते भरे ने मंगते भरे ने सफाई नहीं हैगी बस यह चीज़ा चाहिए जरा कोई बाहरों टूरिस्ट आवे उन्हें सही इंप्रैशन पवे भी असं एडे वे तीरथ से आए हैं एडे वे सचखंड से आए हैं सफाई अगले मूँह कहें यार अपने साढ़े तो इन्होंने साढ़ा गुरु गुरुगांव आंदा कोई कितों आंदा इतने सफाई बिल्कुल नहीं हैगी मेरा नाम जगीर सिंह है जी मैं जीरे तो आया जी
बेनती यही करनी चाहते हैं अभी तो पहली गल तो जरा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जोड़ा इन्ना वजिया कवरेज कर रहे हैं तो इन्ना ध्यान दे रहे हैं सरकार वाल मतलब खिच कर रहे हैं। मतलब पहली गल तो यह सचखंड श्री हरिमंदर साहब आ दुनिया के वर्ल्ड के जोड़ा फेमस आ ठीक है जी। तो ये जो हरिमंदर साहब के आले दुआले जिनी गंदगी आ फैली हुई जिवें सीवरेज का पानी आ जां इत्थे वारा कुत्ते फिरदे आ जां वारा पशु फिरदे आ वो किसी का भी पशु का तो कोई यकीन नहीं कदों भी किसी का कोई नुकसान कर सकता। आम आप टीवी दे विच देखते हैं कई बजुर्ग कई मोटरसाइकिल ते मारती किसी कुछ करता किसी कुछ करता इस चीज़ दे सरकार गऊ टैक्स भी लै रही बिजली के बिल दे विच गऊ टैक्स लग के आ रहा वा फिर टैक्स जे लग के आ रहा तो फिर गऊ जिहड़ा टैक्स सांभू कौन जे तुसीं सांभना फिर टैक्स ना लो। पहली सब तो वड्डी गल जिन्ना अमृतसर दे विच गांदा जिन्ना वधिया दरबार साहब आ जिन्ना आला दुआला दरबार साहब का वधिया वा इन्ना वधिया सुंदरीकरण आ भी मतलब वर्ल्ड दे विच कितें देखण नूं नहीं मिलता ठीक है जी। उस तो बाद दूसरी गल यह जिनी गंदगी आले दुआले दरबार साहब दे आ वो उन्नी कितें होर शहर च भी है नहीं गी। यह बहुत प्रशासन नूं अं बेनती करते हैं कांग्रेस सरकार नूं बेनती करते हैं ये पहल के आधार पर जिहड़े सुंदरीकरण जिहड़ा बनाया वा उन्हूं सुंदरीकरण वांगू ही रख्या जाए ना कि गंद दे ढेर लाए जाण। इन्ना कहिंदा धन्यवाद करदा हां बाजी कॉम टीवी लई अमृतसर तो हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।